अब नहीं घुसेंगे वो, उनकी हड्डियां तोड़ दी गुरदीप जी। अब समित पात्रा बोल रहे सर जी, मैं कैसे बोलूं? हाँ, मैं आ रहा हूँ, समित आ रहा हूँ, समित आ रहा हूँ। पीएम ने क्यों बोला था कि कोई नहीं घुसा? कोई नहीं घुसा। पीएम ने क्यों बोला था? क्यों बोला था समित पात्रा? क्यों नहीं, क्यों बोला था भाई? क्यों बोला था भाई समित पात्रा? बुलवा लीजिए समित पात्रा, क्यों बोला था भाई समित पात्रा? एक एक जी पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर, जवाब भी सुन लीजिए, आपने पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। समित पात्रा, एक एक करके समित, क्यों बोला था भाई? देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े शांति से सुना। अमन बोल रहा हूँ सर, शांति, सॉरी अमन भाई, मैंने बड़े शांति से बोला और अमन भाई बड़े शांति से मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है देश के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, आराम से डिस्कशन करें, हमें लड़ना नहीं है। देखिए अमन भाई, एक कंटेंशन है, एक वीडियो चला चाइना की तरफ से, उनके ग्लोबल टाइम्स ने चलाया, और जो वीडियो था नए साल के उपलक्ष्य पर, कि चाइनीज जो है वो गलवान वैली में, जो इंडिया के साइड का गलवान वैली है, वहां पर वो अपने चाइनीज फ्लैग को अनफर्ल कर रहे हैं। ठीक उसके बाद राहुल जी का ट्वीट आया कि यहाँ अगर तिरंगा होता तो अच्छा होता। समझने वाले समझ गए, ना समझे, जो जो नहीं समझे वो ना समझे, वो अलग विषय है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश भी जानता है राहुल जी ने किस संदर्भ में ट्वीट किया। देखिए यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, चाइना नहीं चाहता है कोई डायरेक्ट वार, चाइना चाहता है साइबर वॉर, चाइना चाहता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, चाइना चाहता है प्रोपेगेंडा वॉर, चाइना चाहता है कि नॉन काइनेटिक वॉर हो, ताकि उनको किसी प्रकार से उनके जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी जो जनसंख्या आर्मी में है वो घटे ना, किसी भी कीमत पे नॉन काइनेटिक वॉर हो, प्रोपेगेंडा वॉर हो, उसी में उलझे रहे, और यही हो रहा है। आज जो डिबेट कोरोना पे होना चाहिए या किसी और विषय पे होना चाहिए, आज हम एक इश्यू जो इश्यू नहीं है, देखिए आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करिए, चाइना ने अपने इलाके में, अपने टेरिटरी में एक झंडा फहराया जहां के जो पत्थर थे वो काले रंग के हैं। आपने अभी देखा जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो ऑरेंज कलर के हैं, जहां इंडियन आर्मी ने अपना झंडा, हमारा झंडा ट्राइकलर दिखाया है। उसके बावजूद हम इस डिबेट में पड़े हुए हैं, और अमन भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है जो हम इस डिबेट में पड़े हुए। जब हम पाकिस्तान के ऊपर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, जब पाकिस्तान के ऊपर, नहीं नहीं एक सेकंड, आप पूछिएगा, पूछिएगा, लेकिन पहले संबित कंप्लीट करें, क्षमता रखिए, संबित कंप्लीट करेंगे उसके बाद गुरदीप जी आप बोलिएगा, थोड़ा सहने की क्षमता रखिए, हाँ नहीं नहीं सवाल लेंगे, पहले संबित कंप्लीट करेंगे उसके बाद अमन भाई, ये संबित आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए, ये घुसपैठ नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे। देखिए जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है, तब भी इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब भी डीजीसीए को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप याद करिए, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे 2020 में, उस समय भी इंडिया ने कहा था कि हम शहादत से पहले हमारे जवानों ने कई लोगों को मारा है, चीन के पीएलए के आर्मी को मारा है, उस समय भी हमें समझाना पड़ा। ये तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं थी, ये तो कह रहे थे हम ही मर गए। हॉस्पिटल में जब हमारे लोग हॉस्पिटलाइज थे, आर्मी के जवान जब हॉस्पिटलाइज थे, जब आर्मी के जवान हॉस्पिटलाइज थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, ये तो नकली वीडियो है, ये नकली वीडियो है, ये हॉस्पिटलाइज नहीं है, इनमें से ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड वीडियो इंडियन आर्मी ने और बीजेपी ने डाला है, जब प्राइम मिनिस्टर देखने गए थे, आपको याद होगा। तो ये हम कांग्रेस को बैठ के समझाते रहे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ षड्यंत्र करते हैं? आपको क्या लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में उनका परिवार राज करता रहा, ये सब ऐसे ही हो रहा है? अमन भाई लेट मी एक्सपोज देम। नहीं अमन भाई, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं 8 मिनट तक कोई घुसा नहीं, वो अमन भाई गुरदीप जी आपको पूरा टाइम दूंगा, जी गुरदीप जी आपको टाइम दूंगा, लेट हिम कंप्लीट सर, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, 10 मिनट उनको सुना, आपको 10 मिनट दिए सर, 10 मिनट दिए, मैंने बीच में एक एक सेंटेंस नहीं बोला अमन भाई, संबित 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 भाई, मैंने इनके मैंने इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक शब्द नहीं कहा अमन भाई, हां आप कंप्लीट करिए, फिर गुरदीप जी चीज है ना, संबित संबित फिर गुरदीप जी को आपको पूरा टाइम दूंगा सर मैं। देखिए अमन भाई, मैं आपको आज यहां चैनल पे बताता हूं, ये आपको क्या लगता है कि ये अनायास ही ऐसे ट्वीट हो जा रहा है? ये ऐसे ही राहुल गांधी कोई कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते ट्वीट कर देते हैं? नहीं अमन भाई, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 2008 में सोनिया जी का और राहुल जी का चाइना जाना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका एक एमओयू होना, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत सांठगांठ रखेंगे, चुप चुप के मिलना, बीच में वो कैलाश मानसरोवर के नाम पे फिर चाइना चले जाना, आज फिर राहुल गांधी कहाँ है, नो वन नोज द डेस्टिनेशन, और इस प्रकार की बातें हो रही। देखिए आप ये गांधी परिवार जो है ना, आप समझ लीजिए,
ये गांधी परिवार अपने परिवार के सत्ता में रहने के लिए अगर हिंदुस्तान को बेचना भी पड़े, हिंदुस्तान की आर्मी को बेचना पड़े, तो ये बेचने तैयार है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रखिए। मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ, दो टुक कह रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, दो टुक सच्चाई कह रहा हूँ। और मुझे अपने आर्मी के ऊपर, मुझे इंडिया की सरकार के ऊपर, अपने तिरंगे के ऊपर 100% भरोसा है, 100% मुझे भरोसा है अपनी आर्मी, अपने तिरंगे और अपने सरकार के ऊपर।